इसलिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आप लोगों के माँ बाप को भी जो आपको इतना संस्कार सिखा के भेजे आप लोग। कहीं ना कहीं आप लोग के पहले टीचर जो होते हैं वो आपकी माँ होती है, वही से आपको सबसे पहले ज्ञान देती है, वही से आपको। और याद रखिएगा, आप यहाँ आए हैं तो आपकी माँ आपका रास्ता देख रही है कि आपके बच्चे, उनके बेटी, उनका बेटा सफल होके आएगा। यहाँ से अगर आप असफल होके जाते हैं तो आप अपनी माँ की नजरों में गिर जाएंगे। माँ ऐसी चीज होती है जो दो रोटी कम भी खाती है लेकिन बच्चों को पढ़ाती है। हमको याद है आज भी, जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो मेरी मम्मी को ऑपरेशन कराना था पथरी का, और वो डॉक्टर बोला था बहुत बड़ा सा पथरी था, हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा लेकिन बहुत ज्यादा। मम्मी कही ना कि पहले ऑपरेशन बाद में होते रहेगा, पहले तुम पढ़ाई कर लो, और हमको मतलब अपने ऑपरेशन का पैसा रख के पढ़ने के लिए दे दिया था। तो हम बहुत टेंशन में थे। क्लास नाइन्थ में एक समय ऐसा आया था ना कि मतलब डिप्रेशन, एक नाइन्थ के लड़का को डिप्रेशन पता भी नहीं रहता, बट मेरे दादाजी जो थे वो टीचर थे, इतना ज्यादा हम डिप्रेशन में चले गए थे ना कि दादाजी से पूछे तो दादाजी हमको गोद में बैठाए, तो कहे कि देखो एग्जाम में सक्सेस हो ना हो ये मायने नहीं रखता है, लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। यहाँ पर ए सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर होल करियर। पढ़ाई का, देखिए शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास। आप दिल से पढ़ाई करिए, हम वादा करते हैं आप छीन लीजिएगा जो आपका अधिकार बनता है। इसके बाद हमारे डीआईजी सर को सम्मानित करेंगे। हमारे डीआईजी को हमें लगता सर के लिए जोरदार ताली। एक बार पहले लगता सर के लिए जोरदार ताली। और हमारे दूरदर्शन के कपिल जी, जिनका आप नाम सुनते होंगे आपके सामने, सर बहुत बड़े मोटिवेशन हम सब के लिए। आपको पता होना चाहिए, आपको बता दे आपकी जानकारी के लिए, सर दिव्यांग होने के बावजूद पैर से सर पर चलने में बहुत दिक्कत होता है। क्या कहें, सर का आर्टिफिशियल पैर है और पांचवें तले पर चल गए, हम कहेंगे दिव्यांगी होना। तो इनका क्या कहना था पता, इनका कहना था कि हम सर के बल चल चलेंगे, पैर तो अभी है हमारे पास। अब हम राजकुमार सर का स्वागत करेंगे, डायरेक्टर सर है दूरदर्शन के। आज के समय में भी जो अपनी गरिमा बना के रखा है ये चैनल, उसका हम बहुत बहुत आभारी है कि इस दौर में भी इन्होंने अपनी गरिमा को बना के रखा है। टीआरपी के दौर में लोग क्या क्या ना कर दिए जिसका कोई हद नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी तो देखते होंगे यहाँ पर, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद आप यहाँ आए। किसी को अपने के लिए समय नहीं रह गया। आज का समाज ऐसा हो गया है कि जनसंख्या डेली बढ़ रही है लेकिन दूरियां भी उसी के साथ बढ़ते जा रही है। एक वक्त था जब कई पड़ोसी साथ रहते थे और आज एक ही घर में कई पड़ोसी हो गए हैं। इस भागदौड़ की दुनिया में भी सर ने इतना समय निकाला और इस पांचवें तल्ले पे चढ़ने के लिए हम सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के लिए और हम अब एक एक करके सर आप लोगों को अपने अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को किस तरह से सफल होना है और आपको बातों को बताएंगे। गर्मी बढ़ रही है लेकिन जो आपके चेहरे की जो मुस्कान मैं देख रहा हूँ और हौसले की उड़ान की जो चाहत देख रहा हूँ, आकाश को छूने की जो चाहत देख रहा हूँ, उससे मेरा मन बहुत ही आनंदित हो रहा है। मुझे लगता है कि सर लोगों ने बहुत कुछ बताया है समय के बारे में, बहुत चीजें। कम समय में मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा अपने बारे में भी कि कैसे एक संगीत का कलाकार जो पूरा वर्ल्ड घुमा कम उम्र में, और लेनिनग्राद, ताशकंद, रीगा, तमाम जर्मनी, जापान और 50,000 लोगों के बीच में संगीत का परफॉर्मेंस देकर
और ताली की गूंज इस कान में गूंजी, वो व्यक्ति अपने माता पिता अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए अपने उस लिंग को बदल दिया, ये मैं बताऊंगा। लेकिन बच्चों, आप लोगों से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग मेला में या भीड़ में जरूर गए होंगे, गए हैं ना? तो आपने एक चीज का ध्यान रखा होगा कि या तो आपके मम्मी पापा या गार्जियन आपका हाथ पकड़ के रखे होंगे, या आप अपनी उंगली उनके हाथ में दे दिए होंगे कि मेरा मेरी उंगली पकड़ के रखो। या तो माता पिता पकड़े होंगे या आप उनका हाथ को छोड़ते, इसका कारण क्या था? आप कहीं उस भीड़ में गुम ना हो जाएं, खो ना जाएं, इसलिए गुरु माता पिता आपका हाथ जोर से पकड़ा है। इसलिए मैं खान साहब को मैं बहुत ही तहे दिल से इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ये एक ऐसे माता पिता से भी बढ़ के गुरु हैं जो अपने बच्चों का हाथ जोर से पकड़े हुए हैं कि वो भीड़ में खो ना जाए। तो ऐसे गुरु को करता हूं और जोरदार तालियां बजाइए। बच्चों, मैं आज एसपी साहब बैठे हैं, तमाम लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, मैं एक चीज ये कहता हूं कि जो बच्चा फेल हुआ वो समझ लीजिए कि उनके लिए एक इंडिकेशन है कि आप जहां के लिए आप फेल हुए हैं उससे कहीं आप आगे बढ़े। का जो असफलता है वही जीवन को सफल बनाने का जज्बा पैदा करता है। अगर आप असफल हुए तो आप अपने आप को खोजिए कि किस कारण से हम असफल हुए, क्या हमने अपने समय को सही ढंग से उसका सर्किल का निर्णय किया कि नहीं, पढ़ाई पर कंसंट्रेशन किया कि नहीं, सही चीजों को ध्यान से अपने गुरु की बातों को सुना कि नहीं। और जब उस चीज को आप खोज लेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप बीएसपी बनना चाहते हैं या एनडीए बनना चाहते हैं या कुछ भी, तो उससे भी आप आगे बढ़ेंगे। सही कहा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चे बेवजह बिना समय के खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ गए बिना नहाए धोए कहीं भी जाके पढ़ने लगे, जब मन हुआ उठ गए, नहीं, समय रूटीन बनाइए। आप सवेरे उठते हैं, सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे का एक रूटीन बना हुआ होता है, और उस रूटीन को जो जीवन में फॉलो करेगा वो निश्चित ही बहुत आगे बढ़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि आईएएस आईपीएस और यूपीएससी का ठप्पा हर व्यक्ति लगवाना चाहता है, इसमें कोई दो मत नहीं, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि हर आदमी चाहता है, उसके माता पिता किसी पद पर हो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा यूपीएससी का अगर ठप्पा लग जाता, आईएएस आईपीएस बन जाता, तो मेरा जीवन सात पीढ़ी तर जाता।